हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी वाइब्स हैशटैग कंचन। तो आज की रेसिपी नॉन वेजिटेरियंस फ्रेंड्स के लिए है और ये रेसिपी बहुत ही ऑथेंटिक और टेस्टी है। डिलीशियस लुकिंग लाल मांस की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को। लाल मांस बनाने के लिए मैंने 6 से 7 प्याज को छील करके रख लिया है और लगभग 2 से 3 गांठ लहसुन की छील के रख लिया है और अदरक ले लिया है। तड़के में हम डालेंगे 3 मोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी, 3 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून जीरा और साथ में 2 तेज पत्ता का। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया जो लहसुन हमने रखा था एंड सेम मिक्सी पॉट में मैं 1 टमाटर को भी थोड़ा सा पानी डाल करके इसका प्योरी बना लूंगी। अब प्योरी में हमें क्या करना है, कुछ मसाले ऐड करना है जिसमें की है देगी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी वाली नहीं होती, ये जस्ट कलर के लिए होती है। तो टमाटर में मिक्स करके इसको रख लेंगे और ये देखिए मटन 1.25 किलो मटन है 1.25 kg और 3/4 कप दही लेंगे। दही में हम जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो डालेंगे जिसमें कि 1 टीस्पून हल्दी है और लगभग 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर है और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल के इसका भी एक पेस्ट बना लिया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारा चीज़ हमने रेडी कर लिया, प्याज को चॉप कर लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, तड़के का सामान रख लिया, मैंने कुछ रेड चिली भी रखी है तड़के के लिए और मटन भी धो करके रख लिया है। आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, वैसे नहीं भी डालेंगे तो रेसिपी काफ़ी अच्छी बनेगी। और मैंने इसके लिए एक तसले का यूज़ किया है। ओपन पैन में मैं ये लाल मांस की रेसिपी बनाऊंगी तो लगभग 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल करके इसको थोड़ा सा स्मोक कर लिया है और जो तड़के के लिए हमने मसाला रखा था ना वो सारा एक साथ डाल देंगे। जब ये हल्का सा भुन जाएगा तब इसमें हम जो चॉप किए हुए प्याज है ना वो डालेंगे और इस प्याज को लगभग थोड़ा सा गुलाबी जब तक इसका कलर ना हो जाए ना तब तक पकाना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। इसको पहले हाई फ्लेम पर भून के और लगभग 2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट डालने के बाद इसको फ्लेम कर देंगे स्लो और स्लो फ्लेम पे इसको हल्का हल्का लाल होने तक भून लेंगे। अब देखिए प्याज को इस तरीके से भुन गए हैं, थोड़े से गले गले दिख रहे हैं। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आप स्टोर बॉट भी ले सकते हैं या जैसे मैंने पेस्ट बनाया है उस तरीके से भी आप इस पे पेस्ट डालेंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी इसको लगभग 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि जो अदरक का रॉ स्मेल है ना वो निकल जाए। 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन का पेस्ट भुनने के बाद अब डाल देंगे इसमें मटन और मटन अभी फ्लेम हाई है और हाई फ्लेम पे लगभग 5 मिनट आपको मटन को भुनना है। तो इससे क्या होगा ना कि मटन आपका जूसी बनेगा और अदरक लहसुन और प्याज के साथ इसकी भुनाई होने पे ना एक लेयर इस पर कोट हो जाती है तो इससे ये टेंडर और जूसी बनता है। तो इसको हाई फ्लेम पे थोड़ी देर भूनेंगे, उसके बाद फ्लेम कर देंगे स्लो और ढक करके लगभग 5 से 6 मिनट इसको पकाना है। तो लगभग 5 से 6 मिनट के बाद हम पैन खोल करके देखेंगे और देखिए कुछ इस तरीके से मटन हो जाएगा, ये भुन चुका है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे जो हमने टमाटर का पेस्ट रेडी करके रखा है ना जिसमें कि हमने कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड किया हुआ है। तो अब उस पेस्ट को हमको इस स्टेज पे डाल देना है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्याज भुनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और वो जब भुन जाएगा तब मटन डालना है और मटन भी जब थोड़ा भुन जाएगा ना उसके बाद फिर आपको फ्लेम हाई करके और ये जो टमाटर और देगी मिर्च का पेस्ट है ना इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से फ्लेम को स्लो करके ढक करके लगभग आपको 15 मिनट स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है। तो
तो ये देखिए 15 मिनट के बाद मटन कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब फ्लेम हाई करके इसको फिर से मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और लगभग 10 मिनट के लिए फिर से ढक करके छोड़ देंगे और फ्लेम हाई ही रखेंगे। 10 मिनट भी जो आप ढक के रख रहे हैं ना उसमें हाई ही रखेंगे, बस नज़र रखिएगा कि जले ना, क्योंकि मेन हमको मसाले को ना अच्छी तरीके से कुक करना है। तो पहले 15 मिनट तो मैंने स्लो करके इसको पकाया है जब मैंने टमाटर और देगी मिर्च का पेस्ट डाला, और 10 मिनट फिर हाई फ्लेम पे इसको ढक करके पकाया है। और देखिए कुछ इस तरीके से इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगेगा। बस इसी स्टेज पे आपको दही का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ना, इसमें हमने कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ही सिर्फ डाला है और अच्छे से दही को फेंट लिया है। तो अभी फ्लेम हाई है, जब भी आप दही की चीज़ें डालें ना तो फ्लेम हाई रखिए, इससे दही फटता नहीं है। अब इसको, इस मसाले को भी बहुत अच्छी तरीके से पूरे मटन में मिक्स करना है। और आपको बताऊँ, इस लाल मांस में ना बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये इतना टेस्टी बनता है ना, इसमें कोई भी गरम मसाला या अलग से कोई भी और चीज़ें नहीं पड़ती, सिर्फ हल्दी, धनिया और रेड चिली का ही इसमें मेन रोल होता है। तड़के में आप जो मैंने बेसिक मसाले बताए थे वो डाल दीजिए, बस इसके बाद ना इसकी भुनाई अच्छे से होनी चाहिए ताकि इसका पूरा अच्छा सा कलर खिल करके आए। और देखिए अभी फ्लेम हाई था, अब जब मसाले को अच्छे से भून लिया है तो फ्लेम को स्लो कर दिया है, बिल्कुल सिम पे कर दीजिए और ढक करके इसको लगभग आपको 25 से 30 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाना है। आप चाहे तो गैस के बर्नर पे, जो स्लो फ्लेम वाला है ना, उस पे आप इसको रख करके 25 से 30 मिनट पे तक धीमी आँच पे इसको पकाएं। बीच बीच में आप इसको ना देखते रहिए ताकि ये जले ना, बीच बीच में इसको चला करके और फिर ढक करके छोड़ दीजिए। तो लगभग 25 से 30 मिनट ढक के पकाने के बाद ये कुछ इस तरीके से ड्राई ड्राई हो जाएगा। इस स्टेज पे आप इसमें 2 चम्मच घी डाल दीजिए, घी का फ्लेवर और टेस्ट और कलर एकदम से चेंज हो जाता है डालने के बाद। तो देखिए मसाला पूरी तरीके से भुन चुका है, सब चीज़ें अपना काम कर चुकी हैं इसमें, और इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो देखिए मसाला कुछ इस तरीके से होना चाहिए, मसाले की भुनाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने इसमें लगभग 3.5 कटोरी पानी डाला है, तो जो मसाले वाली कटोरी थी ना उसी से डाल दिया ताकि बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। तो 3.5 कप पानी डाला है और इससे ना बहुत अच्छा ग्रेवी हो जाता है। आपको और पतली ग्रेवी चाहिए तब इसमें आप पानी बढ़ाइए, अदरवाइज़ इतना काफ़ी है 1.25 किलो मटन के लिए। और देखिए कलर इसका लाल मांस जैसे लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक बनेगा अगर रेसिपी आप पूरी फॉलो करेंगे तो। अब इसको फिर से ढक करके बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देना है और करीब 15 से 20 मिनट पकाना है। तो लगभग 20 मिनट पकाने के बाद स्लो फ्लेम पे, और जब आप देखेंगे ना तो मटन आपका हो चुका रहेगा। और लगभग इसको पकने में ना अगर पूरा टाइम देखें तो 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच का समय लगता है, इतने में ये पक जाता है। तो लगभग 1.5 घंटा आप मान के चलिए अगर आप ओपन पैन में इसको पका रहे हैं, और स्लो फ्लेम पे ही इसको जब भी ढक के आप पका रहे हैं ना, तब देखिए कितने अच्छी तरीके से मटन कुक हो चुका है, पीसेस टूट रहे हैं। एंड कई बार क्या होता है ना, मटन की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, तो आप प्लीज़ ये जो प्रोसेस है ना इसको आप आई बॉल करके ही देखें कि आपका मटन कितने टाइम में पक रहा है। मैंने बनाया तो ये लगभग 1.5 घंटे में मटन बन करके तैयार हो चुका था। और देखिए इसका कोरमा पूरा छूट गया है, कलर बहुत अच्छा आया है, जैसा कि ऑथेंटिक लाल मांस में कलर आता है, और फ्लेवर के तो कहने ही क्या, हर एक बाइट पे इतना टेस्टी लग रहा था ना ये। अब इसको मैं आपको निकाल के सर्व करके दिखाती हूँ। तो मैंने एक बोल में ये लाल मांस निकाल लिया है और इसको आप ना रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा, लच्छा पराठा या फिर राइस के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी ऑथेंटिक सी रेसिपी मैंने आपको दिया है, ये आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ना ज़रूर बताइएगा। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का कि आपने बनाया तो ये कैसा रेसिपी निकल के आया। और वीडियो कहीं पे भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं इसी तरह मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।